मैं हूँ नॉलेज क्वीन सब्बो। इस चैनल में आपका वेलकम है। यह एक ऐसा चैनल है जहाँ मैं आपको हर तरह के नॉलेज शेयर करती हूँ। आज मैं आपको मैथ में यूज होने वाले एक फॉर्मूला के बारे में बताऊँगी। यह फार्मूला नन परफेक्ट स्क्वायर रूट के फार्मूला है। नन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का सबसे सिंपल ट्रिक। इस मैथ फार्मूले से आप नन परफेक्ट स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। नन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का माइंड ब्लोइंग ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप आसानी से नन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि नन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है और इसकी पहचान कैसे करते हैं। ओके कि यह क्या है, व्हाट, और इसकी पहचान कैसे करते हैं। ए नन परफेक्ट स्क्वायर इज ए नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट ए होल नंबर। ओके, यानी एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट का होल नंबर ना हो। एग्जाम्पल के लिए 25 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है और 5 का होल नंबर है, पर 26 एक नन परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्योंकि ये किसी का होल नंबर नहीं है। अब चलिए पहचान करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। जब किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो तो वो नंबर नन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। आपको याद रखना है 2, 3, 7 और 8। ओके, तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। a प्लस बी या a माइनस बी का रूट बराबर क्या होगा, a प्लस बी या a माइनस बी 2 बाई 2 a रूट a में, यानी a क्या रहेगा, रूट में रहेगा। a एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो परफेक्ट रूट हो। a क्या है, एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो क्या हो, परफेक्ट रूट हो, इसलिए रूट में इसको लिखा गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा ये फार्मूला। हमें निकालना है किसका, क्वेश्चन क्या है, 10 का। 10 एक नन परफेक्ट रूट है, तो क्या करेंगे, 10 को ऐसे ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि एक नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट रूट स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 को कैसे, मैं 10 को क्या कर सकते हैं, हम 9+1 में डिवाइड कर सकते हैं। 9+1 क्या होता है, 10, और 9 एक परफेक्ट रूट स्क्वायर है, किसका है, 3 का। तो हम क्या करेंगे, 9+1 लिख लेंगे। उसके बाद फार्मूला क्या है, रूट है, रूट ए, यानी रूट ए, ए क्या है यहाँ पर, 9 है। उसके बाद प्लस बी, बी क्या है यहाँ पर, ए है। उसके बाद 2 a रूट है ना, तो a की जगह क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 का रूट क्या होता है, 3+1/2 × 3, 3+1/6। जब 3+1/6 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.16, यानी √10 का आंसर क्या होगा, 3.16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 किसका निकालना है, 11 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब क्या, 11 एक नन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसके लिए फार्मूला का यूज़ करेंगे, a प्लस बी या a माइनस बी का रूट, a प्लस बी और बाई 2 a रूट, ठीक है। क्या करेंगे, अब 11 को इस तरह पार्ट में डिवाइड करना है कि एक नंबर क्या होना चाहिए, स्क्वायर में आना चाहिए, यानी उसका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 11 को हम 9+2 के रूप में लिख सकते हैं, और 9 एक क्या है, परफेक्ट रूट स्क्वायर है। अब क्या होगा, 9 की जगह फार्मूला क्या है, a, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 9 बैठाएंगे और जहाँ b है वहाँ पर 2, तो हम क्या लिखे, √9+2/2√9। अब 9 का परफेक्ट, 9 का रूट क्या है, 3+2/6, यानी 2 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 आएगा, 3+1/3। जब 3+1/3 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.33, यानी ये क्या हो गया, 11 रूट का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो याद रखना क्या करना है, उस नंबर को नन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए उस नंबर को क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना, ऐसे नंबर पे कि a परफेक्ट रूट स्क्वायर होना चाहिए और b कोई भी नंबर हो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13। अब 13 को
ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने के बाद 13 आना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, 13 को 16-3 लिख सकते हैं, 16-3 तो क्या आएगा 13। तो यहाँ a हो गया 16 और 3 हो गया b। अब क्या करेंगे, a की जगह 16 लिखेंगे और b की जगह 3 लिखेंगे, तो 16√16-3/2√16। अब हम जानते हैं कि 16 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 लिखे 3/2×4, फिर 4-3/8, यानी 4 को -3/8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3.6। ये √13 का आंसर हो गया, √13 का आंसर कितना हुआ 3.6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 यानी 50। तो 50 को आप क्या करेंगे, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि प्लस या माइनस करने के बाद 50 आना चाहिए। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 49+1 क्या होता है 50, ठीक है, 49 और प्लस उसमें 1 करेंगे तो क्या आएगा 50। अब क्या है, 49 एक परफेक्ट रूट स्क्वायर है, हम जानते हैं, इसलिए हम क्या किए 49+1। अब 49 ए की जगह 49 लिख देंगे और बी की जगह 1 लिख देंगे, तो √49+1/2√49। 49 का रूट क्या होता है 7, यानी 7 क्या है, 7 का होल स्क्वायर 49 होता है, 49 का रूट 7 होता है, तो 7 लिखे प्लस 1/2×7, फिर 7+1/14, तो 7+1/14 लिख करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7.07। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 260 का रूट है, रूट कितना निकालना है 260। आप क्या करेंगे, 260 को इस तरह पार्ट में डिवाइड करेंगे कि प्लस या माइनस करने के बाद 260 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हम 256+4 लिख सकते हैं, 260 को क्या लिख सकते हैं 256+4, ऐड करने के बाद क्या आएगा 260। अब क्या होगा, 256 किसका रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट है 16 का, इसलिए हम क्या किए 256 लिखें। आप क्या करेंगे, जहाँ a है वहाँ पर 256 लिखेंगे और जहाँ पर b है वहाँ पर 4 लिखेंगे, उस क्या हो जाएगा 256 का रूट प्लस 4/2×256 का रूट। अब क्या है, 256 किसका रूट है, तो 16, तो 16 लिखें प्लस 4/2×16, जब डिवाइड किए तो 16+1/8 आया। अब 16+1/8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 60.125, ये रूट हो गया 260 का, ठीक है, आपको समझ में आ गई है, फार्मूले से आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपने ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ लिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिख सकते हैं कमेंट में, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सो कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू।